हेलो स्टूडेंट्स, एसएमएस सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 6 पे चल रहे हैं, उसमें हम एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। 6.3 में हम पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सॉल्व कर चुके हैं। वो उन तीनों ही पार्ट की हमने जो लिंक थी वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है आपको। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके देख लें, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे पार्ट फोर्थ पे। इसका जो लास्ट पार्ट हमने जो पार्ट थर्ड बनाया था, वह नंबर 15 से लेकर 20 तक बनाया था। आज हम 21 से पार्ट फोर्थ, जो हमारा आज पार्ट फोर है हमारा, तो हम 21 से इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है ना। अब मुझे क्या है कि नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है और टू द कर्व, कर्व की इक्वेशन मैंने यहां पे लिख दी है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन, व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन, कब, जब वो कर्व की इक्वेशन का हो पैरेलल टू द लाइन के हो, क्लियर है ना। अब देखिए, हमें क्या निकालना, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, क्लियर है ना, याद रखना दिमाग में ये बात है। अब देखो, आपको पता है कि कोई भी इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए और एक कोऑर्डिनेट चाहिए, एटलीस्ट आपको ये दो चीजें आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें यहाँ पे इक्वेशन कर्व दे रखे, इसको यदि हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको हम डिफ्रेंशिएट करें, मतलब कि इसका स्लोप निकालें, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो उसका स्लोप आएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इसका स्लोप ऑफ द नॉर्मल चाहिए, ठीक है ना। तो देखो, इक्वेशन फर्स्ट आ जाओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास का y equals to x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 6, ठीक है ना। बेटा एक बार इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, जैसे डिफरेंशिएट कर देंगे हम बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy / dx इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस का 2, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब ये क्या निकल का है, स्लोप ऑफ दी टेंजेंट, ये क्या निकल गया, स्लोप ऑफ दी टेंजेंट निकल के आया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ठीक है ना। यदि हम इसको मान लें m1, क्या मान लें, m1, क्लियर ना, ये m1 की वैल्यू आ गई, तो हमें क्या निकालना, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, उसे हम क्या मान लें, m2 इक्वल्स टू क्या होता है मेरा फॉर्मूला, माइनस का 1 अपॉन m1, तो m2 की जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी माइनस के 1 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस का 2, क्या आ गई मेरी वैल्यू, 3x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस का 2 है तो प्लस का 2 कर देंगे, क्लियर है स्टूडेंट्स। ये हमारी m2 की वैल्यू निकल के आ गई, क्लियर है ना। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है, ये वाली इक्वेशन सेकंड, इसको दे दो, ठीक है ना। लाइन की इक्वेशन जो हमारी, देखिए इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये मुझे देखो, ये इक्वेशन ऑफ द कर्व थी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है x प्लस 14 बाई प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। बट देखो, आपको स्टूडेंट्स पता होगा कि जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होती है हमारी, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। इसे हम y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, किसको, इस वाली इक्वेशन को। तो ठीक है ना, 14 बाई को इधर ही रखते हैं, बाकी सारा उधर ले जाएगा, माइनस का x और माइनस का 4 हो जाएगा। तो y की यदि वैल्यू हम निकालेंगे तो 1 अपॉन 14x माइनस के 4 अपॉन 14, इसको क्या कर दो बेटे, कंपेयरिंग विथ y equals to mx plus c से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारी m की वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी, माइनस का 1 अपॉन 14, क्लियर ना। ये हमारा स्लोप आ गया, क्लियर है ना स्टूडेंट्स, ये हमारा स्लोप आ गया। इसको हम यूज करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन को फाइंड आउट करने में, क्लियर है ना। अब बेटे क्या कह रहा है, ये देखो, स्लोप ऑफ द कर्व इज पैरेलल टू द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ द कर्व इज पैरेलल टू द इक्वेशन ऑफ द लाइन, जब कंडीशन क्या होती है, पैरेलल होती है, तो क्या होता है, उसके स्लोप जो होते हैं इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज पैरेलल टू द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होगा, इसके जो स्लोप होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। देखो स्लोप हमारे, देखो नॉर्मल इक्वेशन, नॉर्मल का स्लोप क्या निकला था मेरे यहाँ पे, माइनस के 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस का 2, ये इक्वल किसके हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 14, किसके हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 14 के इक्वल होगा। यदि हम माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट कर दें, और ये देखो यदि हम क्या करें, हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ठीक है ना। तो ये क्रॉस, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक बार देखो यहाँ पे क्रॉस, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इसमें होगा, तो ये देखो 3x स्क्वायर प्लस का 2
इसमें मल्टीपल किस तरह बनता होगा, तो यही रहेगा इक्वल्स टू कितना है 14 है हमारे पास, तो 3x स्क्वायर इधर भेजो इसको क्या हो जाएगा मेरा 14 माइनस का 2, तो 3x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास 12, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा मेरे पास 4, x की वैल्यू कितनी निकल गई प्लस माइनस 2। क्लियर है ना स्टूडेंट्स, जब x की वैल्यू प्लस माइनस 2 निकल के आ गई, जब हम x की वैल्यू को उठा के क्या कर देंगे पुटिंग दी, मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो माइनस का 2 है और एक प्लस का 2 है, दो वैल्यू है x की, पुटिंग दी पुटिंग एस लो पुटिंग x इक्वल्स टू प्लस का 2 ऑन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या स्टूडेंट देखिए y इक्वल्स टू जहां जहां पे आपको x दिखे वहां पे 2 डाल दो, ठीक है ना, प्लस का 2 इनटू 2 प्लस का 6, तो y की वैल्यू यहां पे कितनी निकल के आ गई, ये तो 8 4 प्लस 6, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 18, क्लियर है ना, ये 18 आएगी, तो यहां पे देखेंगे हेंस पॉइंट पॉइंट बेटा कितना हो जाएगा हमारा, पॉइंट कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी थी 2 और ये 18, क्लियर ना। अब जब हम x इक्वल्स टू क्या कर देंगे पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस का 2 ऑन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल्स टू देखो y इक्वल्स टू माइनस के 2 की पावर 3 प्लस का 2 इनटू माइनस का 2 और प्लस का 6, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू माइनस का 8 और माइनस का 2 जा 4 प्लस का 6, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 14 कि ये कितना माइनस का 12 प्लस का 6 ये कितना माइनस का 6 निकल के आएगा, तो हेंस पॉइंट, तो देखो y की वैल्यू कितनी निकल माइनस का 6, ठीक है ना, तो हेंस हेंस पॉइंट मेरे कितने आएंगे पॉइंट पॉइंट स्टूडेंट्स कितने निकल के माइनस का 2 माइनस का 6, क्लियर है ना, ये हमारे दो पॉइंट निकल के आए, यदि हम ये दो पॉइंट है, यदि हम इन दोनों पॉइंटों पे क्या निकाल दें इक्वेशन निकाल, यदि हम देखें कि इक्वेशन ऑफ दी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट, पहला पॉइंट हमारा उठा लो, पहला पॉइंट हमारा क्या निकल के आया था यहां पे 2,18 2,18 एंड m की वैल्यू कितनी है हमारे स्टूडेंट माइनस का 12/14, ठीक है ना, यदि इसमें हम वैल्यू रख दें तो जनरल इक्वेशन क्या होती है y माइनस का y1 होती है ना, y माइनस का y1 इक्वल्स टू m x माइनस का x वन, ठीक है ना, ये स्लोप आ रहा है, ठीक है ना, स्लोप ये इसको यूज करें तो y माइनस यहाँ पे कितना 18 इक्वल्स टू माइनस का 1/14 x माइनस का 2, इसको सॉल्व कर लेंगे 14 को उधर लेके आओ तो ये कितना हो जाएगा 14 के अंदर इसमें मल्टीपल करेंगे तो 14 y माइनस का 14 का मल्टीपल कर दो 18 इंटू 14 इक्वल्स टू माइनस के अंदर माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का x इधर लेके आओ तो x प्लस का 14 बाई और ये माइनस के क्या है इनका मल्टीप्लीकेशन यदि हम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 18 + 72 = 2, 18 + 18 = 18, 8 + 7 = 15, 25, ठीक है 225 हो जाएगा, ठीक है 252 हो गया, ये तो माइनस प्लस के 2 इधर लेके माइनस का 2 हो जाएगा इसका टू 0 तो x प्लस 14 बाई माइनस के 250, ठीक है ना, ये इक्वल्स टू 0, पहली इक्वेशन हमारी ये निकल के आ गई। अब यदि हम सेकेंड इक्वेशन यदि निकालना चाहें, ठीक है ना, यदि हम सेकेंड इक्वेशन निकालना चाहें किस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट कितना है माइनस का 2 को माइनस का 6 एंड स्लोप कितना है मेरा माइनस का 1/14, क्लियर है, इसी को यूज करेंगे तो क्या y माइनस का y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 6 है प्लस का 6 बन जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस का 1/14 x माइनस का 2 कर देंगे तो माइनस का इधर को माइनस 2 करें तो माइनस का पहले से ये प्लस का 2 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको यदि हम इधर लेके आए तो 14 by माइनस प्लस का 6 सॉरी 6 × 14 इक्वल्स टू माइनस का अंदर मतलब माइनस का x माइनस का 2 तो इधर को x लिखे हो तो x प्लस 14 बाई और ये प्लस का 14 × 10 = 84 हो जाएगा ये और प्लस का 2 इक्वल्स टू 0 तो x प्लस 14 बाई और प्लस का 86 इक्वल्स टू 0, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 था कंप्लीट।
देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसमें देखो स्टूडेंट्स, इस 21 में सिर्फ नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी थी, लेकिन 22 में आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों के ही इक्वेशंस यहां पे आप इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y = 4ax, ठीक है ना, y = 4ax। इसके पॉइंट भी आपको दे रखे हैं, at2, 280। किस पॉइंट पे निकालने हैं, at2, 280। तो वो स्टूडेंट्स का इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हमने यहां पे लिख दी y² = 4ax, ठीक है ना, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसमें पॉइंट आपको निकालने की जरूरत नहीं है, है ही नहीं, ठीक है ना। आपसे आपको डायरेक्ट क्या करना है, इसके स्लोप निकालो दोनों के और इक्वेशन रख दो डायरेक्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो ये करने से पहले आपको एक बात बता दें, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे थे यहां पे, देखो क्वेश्चन नंबर 21 में माइनस के 252 माइनस का 2 था, तो यहां पे दोनों माइनस की संख्या जुड़े 254 बन जाएगा, क्लियर है ना। तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इसमें। देखिए तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी यहाँ पे क्या है, y square is equal to 4ax, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा मेरा 2 by dy upon dx बनेगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4a, ठीक है ना। तो ये मुझे क्या निकालना है, और dy upon dx equals to 4a upon 2 by, इसका क्या कर देंगे, इधर डिवाइड कर देंगे, 2 से इसे कट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा dy upon dx इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा 2a upon y, क्लियर है स्टूडेंट्स, क्या बन जाएगा मेरा 2a upon y। अब यहां पे क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट, कितना है मेरा पॉइंट, कितना है देखिए at square comma 2at, क्लियर ना। तो ये x होता और ये y होता है, तो dy upon dx किस पे at square comma 280, ठीक है ना, जहां पे x है वहां पे at square रख दो, जहां पे y है वहां पे 280 रख दो, तो 2a upon 2at, तो a से a, t से 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहां पे, ओनली आ जाएगा मेरा 1 upon t, ऊपर कितना 1 बचा है नीचे t है, तो आपका जो स्लोप ये मान लो m1 निकल के आया, कितना निकल के m1, तो यहां पे हम देख पाएंगे कि m1 की वैल्यू, ये स्लोप ऑफ द, ये किसका है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, कितना निकल के आया, m1 की वैल्यू कितनी निकल के 1 upon t। अब बेटा यहीं पे निकाल लो स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ठीक है ना, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट at is at the point लिखना चाहो तो अब हम यहां पे ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, dy upon dx, अरे छोड़ो इसी से छोड़ो, यहीं पे लिख दो एट द पॉइंट at square comma 2at, क्लियर है स्टूडेंट। तो ये m2 बराबर हमने आपको जो फार्मूला था 1 upon m1 करेंगे, तो m2 equals to माइनस का 1 upon m1 की वैल्यू कितनी है 1 upon t, ठीक है ना, ये t पहुंचेगी ऊपर तो क्या हो जाएगा माइनस का t, तो m2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी माइनस की t, स्टूडेंट समझ में आ गया। अब देखिए, ठीक है ना, देखिए स्टूडेंट्स अब हम एक एक करके यहां पे निकालते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी एंड स्लोप कितना है मेरा, स्लोप कितना है उसके लिए, एम एन की वैल्यू मेरी वन अपॉन टी आई, कितनी आई थी वन अपॉन टी, ठीक है ना। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होती है, वाई माइनस का वाई वन इक्वल्स टू एम, यहाँ पे एम वन ले लो क्योंकि यहाँ पे हमने एम वन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना, एम वन से डिनोट कर रहे हैं x माइनस एक्स वन, ठीक है ना। तो ये हमारा x1 है और ये y1 है, यहाँ पे रख देंगे देखो तो y माइनस का 2at इक्वल्स टू 1 अपॉन t, तो x माइनस का at स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा y, दो t का इधर मल्टीपल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो t तो यहाँ पे आ गया, तो y माइनस का 2at इक्वल्स टू x माइनस का at स्क्वायर, t का अंदर मल्टीपल कर दो, वो x को इधर लेके आओ, अभी तो ऐसे कर दे yt minus 2at square, x को दर्जेगा minus का x, वो minus minus plus का ये हो जाएगा at square equals to 0, तो वो minus sign common ले लो, minus sign को common ले लेंगे, अभी मत लो, तो ठीक है, minus x है, तो ऐसे ही रखो, ये plus का yt है, ऐसे रख दो, तो वो minus का 2at, ये at है, तो कितना बचेगा, 2 में से 1 को separate करो, minus का at square equals to 0, तो minus sign common लेके उधर भेज दो, ये x और ये माइनस
वाई टी दो माइनस की एक्स थी प्लस की बन गई और प्लस का ए टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। इसी तरीके से हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट ए टी स्क्वायर माइनस सॉरी ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी, एंड स्लोप क्या है मेरा, एंड स्लोप क्या है हमारा, स्लोप एम टू की वैल्यू कितनी है माइनस का टी। स्टूडेंट्स क्लियर है ना। तो यहां पे वाई माइनस बाई वन, बाई वन की वैल्यू कितनी है टू ए टी इक्वल्स टू माइनस का टी, एक्स माइनस एक्स वन कितनी वैल्यू है ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर देते हैं, y माइनस का 2at इक्वल, ठीक है, अंदर माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन करें तो माइनस का xt माइनस माइनस प्लस का 8t की पावर 3, ठीक है ना। इधर इसको लेके आएंगे तो xt, ठीक है ना, माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का ये y माइनस का 2at ये प्लस का इधर गया माइनस का बन जाएगा तो 8t की पावर 3 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन, ठीक है ना। ये किसकी इक्वेशन निकल के हमारी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि प्रूव दैट द कर्व्स, प्रूव दैट द कर्व्स x = y² एंड xy = k कट एट राइट एंगल इफ एट k इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। ये इसमें देखो क्या बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि दो कर्व की इक्वेशन दे रखे, दो वक्र की समीकरण दे रखे हैं, कि सिद्ध कीजिए कि जो वक्र के समीकरण है यदि राइट एंगल ट्राइंगल मतलब कि लंबवत कट करें दोनों, तो इनकी वैल्यू जो होगी 8k² कितनी है, 8k² = 1, यही है ना, 8k² = 1, यही एक रूप करना है मुझे, 8k² = 1, हाँ यही है 8k² = 1 है। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको कर्व की दो इक्वेशंस दे रखी, ठीक है ना, पहली कर्व की इक्वेशन दूसरी कर्व की इक्वेशन। आपको क्या करना है यहाँ से दोनों के स्लोप निकालने हैं। क्या कह रहा है कि यदि राइट एंगल ट्राइंगल पे कट कर मतलब कि लंबवत कट कर रहे, यदि दो लाइंस यदि परपेंडिकुलर, ठीक है ना, लंबवत मतलब क्या परपेंडिकुलर, यदि दो लाइंस परपेंडिकुलर कट कर रही हो तो उनकी कंडीशन क्या होती है, उनके जो स्लोप होते हैं उनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो इक्वल टू 1 के होता है, ठीक है ना। पहली लाइन का m1 दूसरी लाइन का m2 निकालो और दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा इक्वल होगा 1 के, ठीक है ना। तो वही कंडीशन मुझे करना है। तो स्लोप निकालने के लिए क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन ये तो आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है x = y² पहले दे रखी है और दूसरी xy = k रखी है। यदि हम इन दोनों को सॉल्व करें और यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लें मतलब कि कोऑर्डिनेट निकाल लें, एक पॉइंट मुझे मिल जाए उस पर क्या करेंगे टेंजेंट मतलब कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल लेंगे, ठीक है ना, और दोनों ही का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए इसको क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। यदि हम क्या करें यहाँ पे, यदि हम इसमें हाँ सॉल्विंग इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यदि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे या फिर ऐसे लिख दो, देखो ये आपकी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, ये क्या मेरी x y equals to k दे रखा है। यदि यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो क्या x upon k हो जाएगा। यदि हम क्या करें यहाँ से ऐसा भी मत करो, putting the value, देखो यदि हमारे पास x की वैल्यू कितनी है y square है ना, और putting the value of x from equation first, स्टूडेंट समझना, तो ये क्या हो जाएगा x square की वैल्यू कितनी है y square into ये क्या हो जाएगा y equals to k है, तो y की पावर कितनी हो जाएगी 3 equals to ये k हो जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी k की पावर 1/3, ठीक है ना। इस k की y की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो, हम चलो इक्वेशन फर्स्ट में रख दे रहे, putting the value of y on equation first, ठीक है ना, फर्स्ट में रख दे रहे, तो x = y square, तो y की वैल्यू कितनी है k की पावर
एक बटे तीन इस पूरे की स्क्वायर है, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी स्टूडेंट्स, k की पावर दो बटे सॉरी k की पावर यहाँ पे लिखेंगे k की पावर दो बटे तीन, ठीक है ना। तो आप देखो हेंस द पॉइंट, पॉइंट स्टूडेंट क्या होगा, तो वो x को y होते हैं ना पॉइंट, तो यहाँ पे देखेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आई k की पावर दो बटे तीन और y की वैल्यू कितनी है k की पावर एक बटे तीन। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या करें, यहां से इसके टेंजेंट निकाल लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास x इक्वल्स टू y स्क्वायर, ठीक है ना, क्या है x इक्वल्स टू y स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1 इक्वल्स टू 2 by dy upon dx, तो यदि हम देख पा रहे हैं तो इधर यदि हम निकालें dy upon dx की वैल्यू निकालें तो 1 upon 2 y निकल के आएगी, ठीक है ना। अब इसका हम स्लोप निकाल लें, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकालेंगे, देखिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट dy upon dx किस पॉइंट पे निकालना है स्टूडेंट्स, k की पावर 2/3 कोमा k की पावर 1/3 इस पॉइंट पे निकाल दो, मान लीजिए ये मेरा क्या है m 1 निकल के आ रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या 1/2 y की वैल्यू क्या है मेरे पास k की पावर 1/3 है, ठीक है ना, तो मेरी e क्या किसकी वैल्यू निकल के आ रही है m 1 की वैल्यू निकल के आ गई, क्लियर ना। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे m 2 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या मेरे पास x y इक्वल्स टू k, क्लियर है ना। अब देखिए इसको हम क्या करें विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दें, क्या करें विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दें, यदि हम क्या करें y इक्वल्स टू k अपॉन x करें तो ये क्या हो जाएगा मेरा x की पावर, ये क्या हो जाएगा k x की पावर माइनस 1, इसको डिफरेंशिएट कर दो हम बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे तो dy अपॉन dx यदि हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा माइनस का k अपॉन दो ये माइनस को आगे आ जाएगी तो माइनस k और x की पावर क्या होगा माइनस का 1, ठीक है ना, ऐसे ना लिख के हम क्या करते हैं x स्क्वायर, क्लियर ना x स्क्वायर। हम क्या करेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट k की पावर 2/3 कोमा k की पावर 1/3, ठीक है ना, k की पावर 1/3 इस पे करेंगे तो ये क्या dy upon dx k की पावर 2/3 कोमा k की पावर 1/3, क्लियर है स्टूडेंट्स, तो माइनस का k अपॉन x की वैल्यू कितनी है k की पावर 2/3 तो पहले से ही है, ठीक है ना, इसका भी क्या है देखो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा तो k अपॉन माइनस का k अपॉन k की पावर 2/4 हो जाएगा 4/3, लेकिन ये क्या है अब जब ऊपर जाएगी तो समझना स्टूडेंट्स ये माइनस का k इंटू k की पावर 4/3 किसकी हो जाएगी माइनस की, अब यहाँ पे पावर 1 है और ये माइनस का 1/4 है, यदि हम 1 माइनस का 4/3 को इसको यदि हम सॉल्व करें तो कितना है माइनस का 1/3, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा मेरा m2, ये क्या मेरा m2 इसे मान के चलना m2, तो m2 की जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी माइनस k की पावर इसको सॉल्व कर लें 1-4/3 इसका बटे एक एलसीएम करके सॉल्व कर दें तो माइनस k की पावर माइनस का 1/3, तो m2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी माइनस k की पावर माइनस का 1/3 ये निकल के हमारी वैल्यू आ जाए। देखिए स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोला गया कि जब क्वेश्चन में क्या है कि दोनों लाइन कैसे राइट एंगल ट्रायंगल पे कट करें, ठीक है ना, तो यहां पे लिखेंगे व्हेन टू लाइंस आर कैसे हो परपेंडिकुलर हो तो उस क्या करते हैं स्लोप उनकी m1 into m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है, उनके जो स्लोप होते हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है माइनस 1 के बराबर हो जाता है, तो m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 अपॉन 2 k की पावर 1/3 इनटू ये क्या है माइनस का k की पावर कितना है माइनस के 1/3, क्लियर है ना, यदि हम देखें इक्वल्स टू क्या माइनस का 1, यदि हम इसको नीचे लेके आए, ठीक है ना, यहां पे समझ लो यदि हम इसको नीचे लेके आए तो क्या होगा माइनस का 1 अपॉन 2 k की पावर 1/3 इनटू तो देखो माइनस तो यहां पे आ गया, ठीक है ना,
और देखो ये भी k की पावर माइनस के, तो नीचे आएगी k की पावर प्लस का 1/3 इक्वल्स टू माइनस का 1। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा ना कि 1, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, 1 अपॉन 2 की पावर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 अपॉन 3 हो जाएगा, क्लियर ना, इक्वल्स टू ये 1। अब इसके बटे ये करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे ही हम करेंगे तो यहां पे अगर थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं, जैसे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या होगा, 2k की पावर 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1, क्या करेंगे दोनों पक्ष को इधर का क्या है पावर 3 कर दो, दोनों साइड को क्या कर दो पावर 3 कर दो, इसकी भी पावर 3 कर दो और इसकी भी पावर 3 कर दो, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यहां पे देखो k है तो 2/3 तो पहले ही है, इसकी पावर 3 है तो 3 इंच करेंगे तो इसका जो 1 की पावर 3 को तो ये बन ही जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 8k2 = 1, ठीक है ना। जो मुझे प्रूफ करना था ये देखो, जो मुझे प्रूफ करना था वो मेरा रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 मेरा कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 बड़ी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, इसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन मुझे निकालनी है, ठीक है ना, टू द हाइपरबोला सिर्फ आपको स्लोप निकालने, किसके टेंजेंट और नॉर्मल के, नॉर्मल जो इक्वेशन थे एक्स वाई माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप, टेंजेंट की इक्वेशन निकालो तो टेंजेंट का और नॉर्मल की निकालो तो नॉर्मल का और x माइनस एक्स वन, इस इक्वेशन आपको रख देना है, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट ऐसे क्या कर दो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये देखो x इसको करेंगे तो 2x अपॉन a स्क्वायर माइनस 2y अपॉन b स्क्वायर, लेकिन अगेन y का करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा 0, क्लियर है ना। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, dy अपॉन dx की, ठीक है ना। इसको उधर ले जाओ राइट हैंड साइड में ले जाओ इस पूरे टर्म्स को, इस पूरे टर्म्स को, तो क्या माइनस का 2y अपॉन b स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल का साइन लगाएंगे माइनस का 2x अपॉन a स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखो अब क्या करेंगे dy अपॉन dx, ये क्या मेरे पास x अपॉन a स्क्वायर, इसके पूरे की डिवाइड करके y अपॉन b स्क्वायर, ठीक है ना। ये ऊपर पहुंचेगा और ये नीचे होगा, तो ये बनेगा क्या मेरा x v स्क्वायर अपॉन y a स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू मेरी dy अपॉन dx की। अब बेटा यहां पे क्या करना है आपको, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x नॉट कोमा बाई नॉट, बेटो इसको जीरो है सो नॉट भी बोलते हैं, ठीक है, x नॉट और बाई नॉट। चलो निकाल लेते हैं dy अपॉन dx एट x कोमा x नॉट और बाई नॉट, ठीक है ना, x जीरो और बाई जीरो पे, ये क्या निकाल रहे हैं हम m1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जहां जहां पे आपका x तो वहां पे x जीरो लिख दो, ठीक है, x जीरो b स्क्वायर अपॉन y जीरो a स्क्वायर, क्लियर ना। तो ये आपका स्लोप होगा किसका, नॉर्मल का, सॉरी टेंजेंट का। अब क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट एक्स नॉट कोमा वाई नॉट, ठीक है ना। तो क्या निकालेंगे हम, एम टू की वैल्यू निकालेंगे, एम टू क्या होता है माइनस का 1 अपॉन एम वन, क्लियर है ना। तो ये क्या होगा माइनस का 1 अपॉन x नॉट b स्क्वायर बटे y नॉट a स्क्वायर, क्लियर है ना। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा माइनस का y नॉट a स्क्वायर बटे x नॉट b स्क्वायर, मेरी वैल्यू बस ये चेंज हो जाती है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर देखो वही हुआ ना। तो ये हमारी m2 की वैल्यू निकल के आ गई। अब मुझे क्या करना है, एक एक करके इनकी इक्वेशन को निकाल देना है, ठीक है ना। इक्वेशन of the tangent at the point x naught comma y naught and slope कितना मेरा m1 की वैल्यू कितनी है x b square x naught b square और y naught a square, ठीक है ना। तो क्या होता है
बाई माइनस का बाई नॉट, सॉरी बाई नॉट, बाई माइनस का बाई वन होता है, लेकिन यहाँ पे बाई वन की वैल्यू कितनी है, वाई नॉट इक्वल्स टू, इसका जो स्लोप है मेरा कितना है, एक्स नॉट बी स्क्वायर अपॉन वाई नॉट ए स्क्वायर, क्लियर है ना। और ब्रैकेट के एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू क्या है, तो एक्स नॉट है, क्लियर ना। अब देखो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और इसको करेंगे कैसे, ये जो देखो ये जो बाई नॉट है इसको इधर लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगी, बाई एक बाई नॉट, ये ए को इधर ही रखो, ठीक है ना, वाई, मेरी बात को समझना, मैं क्या कर रहा हूँ, वाई ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बस, कुछ नहीं, ठीक है ना, ब्रैकेट में वाई माइनस का वाई नॉट, ये जो बी है ना बी, इसको इधर लेके, अभी अभी मत करें, अगले स्टेप में हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स नॉट बी स्क्वायर, इसको हम कुछ ऐसे कर रहे हैं, b है ना, b स्क्वायर को बाहर ले ले रहे हैं, ठीक है ना, और ये x नॉट अपॉन a स्क्वायर, इस तरीके से ब्रैकेट में x माइनस x नॉट, क्लियर है ना। देखो मैंने क्या किया, सिर्फ y नॉट को इधर लिया है, ले आ सकते हैं, अब ये b है ना इसको इधर लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा, y नॉट अपॉन v स्क्वायर, तो y माइनस का y नॉट इक्वल्स टू, ये क्या है मेरा, अब यहां पे कितना बचा, x नॉट अपॉन a स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस x नॉट, क्लियर ना, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करो, तो y माइनस का सॉरी y y नॉट अपॉन b स्क्वायर माइनस y नॉट का y नॉट होगा, तो y नॉट स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल का साइन x x नॉट अपॉन a स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये इसको उधर लेके आओ, किसको उधर लेके आना, मुझे सिर्फ x नॉट को लेके आओ, किसको, इसे लेके आना मुझे, तो मेरा बनेगा क्या, y y नॉट अपॉन b स्क्वायर माइनस x x नॉट अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स, ये क्या मेरे पास x x स्क्वायर सॉरी x नॉट स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस के, देखो माइनस का ले जाओ प्लस का हो जाएगा, y इस यहां पे ये y नॉट होना चाहिए, ठीक है ना, y नॉट स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, दोनों साइड यहां पे देखो माइनस साइन जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का बन जाएगा, x नॉट अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट करते हैं, ये देखो हाइपरबोला के फॉर्म में है ना, तो इसकी जब क्या लिख देंगे, हम वन लिख देंगे, तो ये आंसर देखो यहाँ पर वैल्यू आएगी एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल्स टू वन, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, ये इक्वेशन ऑफ दी टेंजेंट मेरी निकल के आ जाती है, यहाँ पे हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ दी नॉर्मल, क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ दी नॉर्मल निकालेंगे, ठीक है, इसी तरीके से किस पॉइंट पे, बाई एक्स एक्स नॉट पे, ठीक है, तो एक्स नॉट कोमा वाई नॉट पॉइंट पे निकालेंगे, इसका स्लोप तो आपको पता ही, यहाँ पे मैंने स्लोप निकाला था, यह है, तो इसको ऐसे हम करेंगे y माइनस का y नॉट इक्वल्स टू माइनस y नॉट a स्क्वायर अपॉन x नॉट b स्क्वायर x माइनस x नॉट, क्लियर है ना, इतनी बातें क्लियर है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे इसमें, ओके, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, और क्या कर सकते हैं, x नॉट b स्क्वायर ब्रैकेट में y y नॉट इक्वल्स टू माइनस का वाई नॉट ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नॉट, क्लियर ना, ओके, ऐसे ना करके थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई तरीके से करूँ, इसको इसके बटे करके क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको सिर्फ इधर लेके आओ, सिर्फ इसको इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा, वाई माइनस का वाई नॉट वटे इक्वल होगा वाई नॉट ए स्क्वायर इक्वल टू साइन x माइनस का x नॉट अपॉन x नॉट अपॉन ओके 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 ये क्या होता है माइनस का वन अपॉन x नॉट b स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है x माइनस x नॉट, सिर्फ मुझे क्या करना है, ये क्या था मेरे पास y माइनस का y नॉट था, इसलिए डिवाइड करने क्या किया y नॉट ए इसको, ठीक है, इसको क्या करना है, सिर्फ डिवाइड कर देना है इंडिविजुअली इसका डिवाइडेशन, या फिर काम करो ये माइनस का इसे राइट हैंड साइड में लेके आओ, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा y माइनस का y नॉट अपॉन y नॉट ए स्क्वायर, ये प्लस का क्या आएगा x माइनस का x नॉट अपॉन x नॉट b स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है ना,
तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से मेरा क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। ये 25 में बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, सिर्फ इसलिए क्या करना है, सिर्फ टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू अंडर रूट 3x माइनस 2, है ना, विच इज पैरेलल टू द लाइन, विच इज पैरेलल टू द लाइन। लाइन की इक्वेशन आपके 4x माइनस का 2y प्लस का 5 कितनी है, 4x माइनस का 2y प्लस की 5, ठीक है। देखो इसमें क्या है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना, ये क्या है पैरेलल टू द, ये पैरेलल टू द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है ना, लाइन की इक्वेशन के पैरेलल, यदि लाइन की इक्वेशन दी है, इक्वेशन नंबर सेकंड मान है, तो वो क्या करना है, इनसे देखो कोई भी इक्वेशन निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, उसके पॉइंट निकालना होगा, ठीक है ना, स्लोप निकालो, पॉइंट दो ही चीजें पता करनी होती हैं, ठीक है ना। तो देखो इसको करेंगे कैसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या मेरे पास y इक्वल्स टू अंडर रूट 3x माइनस का 2, इसे क्या कर दो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, तो ये क्या मीन करता है, dy / dx इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर है, देखो बेटी अंडर रूट के अंदर है, तो 1 / 2 तो पहले आगे आएगा, फिर 3x माइनस 2 की पावर 1 / 2 माइनस का 1 हो जाएगा, फिर अंडर रूट के अंदर 3x का ये जो है ना वैल्यू 3x माइनस 2 का करेंगे तो 3 * x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 2 का करेंगे तो 0 बन जाएगा, 3 dy / dx इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, ये 1 / 2, देखो 1 / 2 माइनस 1 को सॉल्व करेंगे तो कितना माइनस का 1 / 2 आएगा, कितना निकल के माइनस का 1 / 2, माइनस का 1 / 2 आएगी पावर, तो इसका मतलब क्या है, नीचे ले जाओ प्लस का 1 / 2 हो जाएगा, तो 1/2 3x माइनस के 2 की पावर प्लस की 1 / 2, ठीक है ना, ये क्या मेरे पास आया 3 माइनस 0, इसलिए समझने की बात को इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ऊपर का 3 आ गया वैल्यू, ऊपर 3 आएगी, नीचे कितनी है 2, ये अंडर रूट में लिख सकते हैं हम 3x माइनस का 2, क्लियर ना, ये वैल्यू किसकी है मेरी dy / dx की, मान लीजिए ये क्या मेरी निकल गई m1 है, ठीक है, ये क्या है स्लोप ऑफ द कर्व, जो ये स्लोप जो लाइन स्लोप ऑफ द टेंजेंट की मान लो से, तो ये जो मैंने स्लोप की जो इक्वेशन दे रखी थी इससे हमने इसका यू है इसका ये जो हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी थी इससे हमने स्लोप निकाली। अब हम आते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड पे, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन मेरी क्या कहती है 4x माइनस का 2y इक्वल्स टू 5, ठीक है ना, प्लस की 5 इक्वल्स टू 0 है। आपको पता है लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c होती है, ठीक है ना, इससे इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में लाओ तो क्या हो जाएगा मेरा, माइनस का 2y इक्वल्स टू माइनस का 4x और माइनस का 5, तो ये y इक्वल्स टू माइनस के 4x अपॉन माइनस का 2 माइनस के 5 अपॉन माइनस का 2 माइनस के 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा निकल के क्या आ जाएगी 2x प्लस का 5 बाई 2, तो ये क्या निकल के मेरी इक्वेशन y इक्वल्स टू 2x प्लस का 5 बाई 2, इसे क्या कर दो कंपेयरिंग विथ y इक्वल्स टू mx प्लस c से कर लेंगे तो m की वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी वो कितनी आएगी 2, ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम According to question, तो question में क्या कहे? Equation of the curve is parallel to the equation of the line. ठीक है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे? Equation of the curve is parallel to the equation of the line. Then slope of the equation of the curve क्या है? dy upon dx is equal होगा slope of the equation of the line, ठीक है ना, जो हमने यहाँ पे अभी निकाला, क्लियर है, तो ये क्या मेरी देखो यहाँ पे वैल्यू क्या, ये देखो मेरी वैल्यू क्या यहाँ पे ये है 3 upon अंडर रूट के अंदर क्या है 3x माइनस का 2, लेकिन इससे पहले बाहर ये भी 2 भी है हमारे पास, यहाँ पे कितना है 2, क्लियर है ना, इतनी बातें समझ में आ गई, ओके अब हम क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3x माइनस का 2, क्लियर है ना, इसका भी मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं 3 इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 3x माइनस का 2, ठीक है, यदि हम 4 का डिवाइड करें तो 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू अंडर रूट 3x माइनस का 2, अंडर रूट हटाने की क्या कर दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड
जैसे स्क्वायरिंग कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो 9 upon 16 equals to 3x minus 2। तो ये देखो 9 upon 16 minus 2 इधर लेके प्लस का 2 equals to 3x। इसके लिए हम एलसीएम लेके कर दे तो 9 plus 32 upon 16 equals to 3x। इनको यदि हम ऐड कर तो 41 upon 16 equals to 3x। और 3 का इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 41 upon 48। क्या निकल के आएगी x की वैल्यू, 41 upon 48। इस x की वैल्यू को स्टूडेंट देखिए, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, इसी इक्वेशन फर्स्ट में ही रखेंगे, तो y इक्वल्स टू अंडर रूट 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या मेरे पास 41 upon 48 minus 2। तो y इक्वल्स टू इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये क्या 16 टर्म्स कटेगा, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये बचा क्या 41 upon 16 minus 2, इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व करेंगे हम, नीचे 16 ले लेंगे तो ये क्या 41 minus 32, तो ये क्या बचेगा अंडर रूट के अंदर 9 upon 16, तो क्या होगी y equals to 3 upon 4 निकल के आएगी फिर, तो हम क्या करेंगे हेंस पॉइंट क्या x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x की वैल्यू कितनी है 41 upon 48 को y की वैल्यू 3 upon 4। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ दी टेंजेंट निकालनी है, इक्वेशन ऑफ दी टेंजेंट किस पॉइंट पे, एट दी पॉइंट 41 upon 48, 3 upon 4, ठीक है ना। और इसका स्लोप कौन होगा, स्लोप जो हमने अभी निकाला था कितना था 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे y माइनस y1 की वैल्यू 3 upon 4 equals to 2, x माइनस 41 upon 48, इसको हम सॉल्व करेंगे इसे बटे करके कैलसीएम लेंगे, यहाँ पे कैलसीएम लेंगे तो क्या 4y minus 3 upon 4 equals to, यहाँ पे 2 है ये 48x minus 41 upon 48, ठीक है ना। इसको यदि थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 4 से 48 कैंसिल आउट कर दो, कितने टाइम्स है 12 टाइम्स कटेगा, और इसे 2 से ये कर दो 6 टाइम्स कटेगा, अब 6 का इधर मल्टीप्लिकेशन करो 6 2 12y minus 18 equals to 48x minus 41, ठीक है ना, माइनस का 41। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, यदि हम उसे ले जाए तो 48x minus 12y, ठीक है ना, ये माइनस का 41 है, इधर जाए प्लस का 18 हो जाएगा, तो 41 में से 18 को सब 11 से हर 3 और 3 में से 2, तो कितना 21 माइनस का 21 इक्वल्स टू 0, तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है ना। ये इक्वेशन हमने टेंजेंट हमारी निकल के आ गई, सिर्फ इस क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 और 27 दोनों ही हमारे ऑप्शनल कैसे हैं, ये हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, इसमें मुझे बस आंसर इसमें दे रखा है, बस टिक करना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन 26 में कह रहा है कि द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू 2x² + 3 sin x at x = 0, मतलब कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल मुझे निकालना है, ठीक है। चार पॉइंट दे रखे हैं ABCD, आपको इसमें एक सही होगा उसको देखना है, ठीक है ना। तो इसमें इक्वेशन ऑफ द कर्व मुझे क्या दे रखी है, y इक्वल्स टू 2x² - 3 sin x, ठीक है ना, किसपे निकालना है x² = 0 पे, ठीक है। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, से पहले हम आपको बात बता दें, यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्शन करना है, 6 आ गया था, 6 का मल्टीप्लिकेशन 6 4 = 24 वहाँ पे होता है, ये हो जाएगा मेरा 24, क्लियर है ना, ये 24 बाई हो जाएगा, और बाकी तो इसमें क्या करेंगे, इसको सब करेंगे, यहाँ पे 23 आ गया, कितना है 23 आ गया, तो यहाँ पे होगा 24, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा इसको देखते हैं, इसको क्या करें, आप डिफ्रेंशिएट कर दो, इसी क्या करते हो डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा dy/dx = जैसे इसको देखेंगे इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 2 to 4x plus 3 cos x, ठीक है ना। अब स्लोप ऑफ दी
टेंजेंट पहले निकाल लो, ठीक है ना, पहले हम निकाल लेते हैं m1, तो dy upon dx x square to 0 पे 4 into 0 plus का 3 into cos 0, तो कितना निकल कर आएगा मेरा, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 into 1 कितना आया 3, m1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 3, क्लियर है ना। लेकिन हमें मुझे निकालना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालनी है, तो स्लोप ऑफ m2 = -1 / m1, तो ये क्या -1 / 3, तो इससे क्या हुआ हमारा, ये हमारा स्लोप आ गया -1 / 3, ठीक है ना, स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना है -1 / 3। इस तरीके से आपका ऑप्शन जो डी है इसका, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, क्लियर है ना। आप 27 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, 27 क्या कह रहा है मेरा, द लाइन क्या है मेरी, y बराबर x प्लस 1, यदि ये लाइन में y बराबर x प्लस 1 दे रखी है, वो कर्व की इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ठीक है ना, एट द पॉइंट, इसके पॉइंट पता करना है, तो y बराबर mx प्लस c से कंपेयर कर दो, तो m की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1, क्लियर है स्टूडेंट्स। इसका स्लोप निकाल लो, तो क्या होगा 2y dy इक्वल्स टू dx इक्वल्स टू 4, तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 4 अपॉन 2x, कितना 2 अपॉन x, इन दोनों को कंपेयर यदि इक्वल कर देंगे तो 2 अपॉन x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो यहां पे जो x की वैल्यू निकल के कितनी आएगी 2, ठीक है ना, इस x की वैल्यू इक्वेशन इसमें रख दो, तो क्या हो जाएगा मेरा y इक्वल्स टू 4 इनटू 2, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना निकल के आया मेरा, कितनी वैल्यू हो जाएगी, ओके ओके, ओ गलती यहां पे हुई मेरी, ये y था ना, तो यहां पे y आया, ओके ओके ओके, यहां पे कितना आएगा मेरा y आएगा, क्लियर है ना। तो हमने क्या किया यहां पे, जैसे इसको किया था तो यहाँ पे था मेरा y, क्या था 2 अपॉन y इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई थी 2, ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो y की वैल्यू है 2 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है मेरा 4x, तो कितना 4 इक्वल्स टू 4x, x की वैल्यू कितनी निकल के आई 1, तो इसके पॉइंट जो होंगे, हेंस पॉइंट जो हमारे होंगे पॉइंट 1, 2, क्लियर ना, इसमें कोई पॉइंट है 1, 2, हाँ इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई, फाइनली इसका जो पार्ट नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 27 तक है, ठीक है। हमने सारी चीज़ों को डीपली आपको समझाने की कोशिश की, हर चीज़ को कोई डाउट ना रहे आपको, आई होप आप लोगों को समझ में भी आई होगी, यदि आपको समझ में आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, ठीक है।